भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने देवेंद्र यादव को नोटिस भी दिया था। पुलिस के साथ समर्थकों की झड़प हुई है। विधायक के घर पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने देवेंद्र यादव को इससे पहले नोटिस भी दिया था, लेकिन जब वो नहीं आए पुलिस के सामने तो खुद पुलिस पहुंच गई। पुलिस के साथ समर्थकों की झड़प भी दिखाई दी, क्योंकि कई समर्थक जो हैं यहाँ इकट्ठा हो गए। विधायक के घर पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और वो विरोध कर रहे थे इस चीज का कि गिरफ्तार न किया जाए देवेंद्र यादव को, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ पर दीपक बैज भी आए थे जो कि इस चीज का विरोध कर रहे थे कि गिरफ्तारी ना हो, लेकिन कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है देवेंद्र यादव, जिनको पहले ही नोटिस भी दिया गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन वो जब नहीं आए पुलिस के सामने तो पुलिस ने गिरफ्तारी की है देवेंद्र यादव की। और समर्थकों में देखिए, पुलिस और समर्थकों में झड़प देखने को मिली, जहां समर्थक लगातार इस चीज का विरोध करते रहे कि देवेंद्र यादव को गिरफ्तार न किया जाए। बावजूद इसके पुलिस यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। लगातार विरोध होता रहा गिरफ्तारी का, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं थे। झड़प भी हुई पुलिस और समर्थकों के बीच में। फिलहाल कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तारी की गई है। उन लोगों को चिन्हित किया गया था और अब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पूछताछ और तमाम चीज़ों के बाद ही और भी चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर क्या भूमिका देवेंद्र यादव की रही और कैसे ये पूरा जो है मामला सामने आया। पुलिस के साथ समर्थकों की झड़प भी देखने को मिली है। विधायक के घर पर समर्थकों का जमावड़ा है और लगातार जो समर्थक है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि देवेंद्र यादव को गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो समर्थकों के साथ यहां पर झड़प देखने को मिली है पुलिस और समर्थकों की। बलौदाबाजार हिंसा मामला, तो समर्थकों का ये कहना है कि गिरफ्तारी ना हो और वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन तमाम बहसबाजी भी यहाँ पुलिस की और समर्थकों की हुई, झड़प। लेकिन देवेंद्र यादव को पहले ही बोला गया था, नोटिस भी दिया गया था, उस वक्त वो सामने नहीं आए, पेश नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस खुद पहुंची यहाँ पर उनको गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि काफी लोगों की यहाँ पर जो उनके समर्थक है उन लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आई, झड़प भी देखने को मिली। बलौदाबाजार का ये मामला, बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर ही लिया गया। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, क्या कहेंगे, क्या आपकी आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, सरकार की विफलता सबसे पहले इसमें है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि कलेक्टर एसपी के कार्यालय जला दिए गए। उस विफलता के बाद
इनके गुप्तचर, इनकी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और बाकी सब फेल हो गए। और उसके बाद सरकार का इस पर सबसे गलत रवैया ये रहा कि आज वो बदले की राजनीति इसी के आड़ में कर रही है। आप देखिए कि सतनामी समाज के सम्माननीय साथियों को लगातार अरेस्ट करना, द्वेषवश कार्रवाई करना, विपक्ष पर आरोप लगाना, विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट करना, जबकि असली दोषियों को सरकार छू भी नहीं रही है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि क्या सरकार ने एक वर्ग विशेष का दमन करने के लिए, विपक्ष का दमन करने के लिए इस घटना को होने दिया आराम से। और उसके बाद आप देखिए एक निर्वाचित विधायक को जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है बिना तथ्यों साक्ष्यों को, कहीं पुलिस ने खुद कहा था कहीं वीडियो में कहीं वो ऐसे नहीं दिख रहा है जहां हिंसा हो रही वहां हो, जहां स्टेज में भाषण वाषण हुआ वहां देवेंद्र जी थे, वहां उन्होंने भाषण भी नहीं दिया है। उसके बाद देवेंद्र यादव जी वहां से चले गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इसको, इनकी सरकार पूरी तरह से, सरकार में बैठे मंत्री शुरू से जिस तरह से कह रहे थे इसमें विपक्ष का हाथ है, इन इन विधायक का हाथ है, ना उनके पास कोई इनपुट था ना कोई सोर्स उनको बताया था, लेकिन फिर भी ये कह के उन्होंने, और बाद में जिस तरह अरेस्टिंग हुई स्पष्ट करती है कि पूर्वाग्रह से इन लोग ग्रसित थे और इन्होंने पुलिस को जानबूझकर दबाव बनाया है कि इन लोगों को आरोपी बना दो। यादव जी को जब नोटिस दिया जा रहा था अनिल जी, तो वो क्यों नहीं गए पुलिस के सामने? शायद अगर वो पहले जाते और उनकी बातचीत होती और फिर जाकर वहां पर कुछ सवालों के जवाब अगर वो देते तो क्या ये ऐसा होता? देवेंद्र यादव जी गए थे इसके पहले, जब उनको नोटिस मिला वो बाहर थे, जानबूझ के उनको, उनके घर में भी जिस दिन पुलिस गई थी वो जान रही थी कि आज ये दिल्ली में है, फिर भी गई थी। बाद में देवेंद्र यादव जी शुरू से बोले कि मुझे अरेस्ट कर लो, हमारे और नेताओं ने कहा, रुद्र गुरु जी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए एसपी ऑफिस चले गए, हमारे नेताओं ने शुरू से कहा भाई हम तो सामने हैं, आप हमसे कौन सी पूछताछ चाहते हैं बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली अपनी विफलता को छिपाने के लिए या सुनियोजित विफलता को इनकैश करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, विपक्ष का दमन कर रही है। और भाजपा ये छत्तीसगढ़ बस में नहीं कर रही है, ऑल इंडिया लेवल पर ये षड्यंत्र चल रहा है, चाहे वो मीडिया के साथी हों जो निष्पक्ष खबर दिखाते हों, चाहे वो विपक्ष हो जो सरकार से सवाल पूछता है उसको दमन कर देना। अशोक बजाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक बजाज जी, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए कानून अपना काम कर रहा है, देवेंद्र यादव जी आरोपी हैं, उन्होंने सांप्रदायिक दंगा भड़काने और सरकारी संपत्ति की जो हानि हुई है और एक अशोभनीय और दुर्भाग्यजनक घटना बलौदाबाजार में हुई उसमें उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया है, उनके खिलाफ FIR है। तो कानून अपना काम कर रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं। नहीं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि झूठ मूठ का देवेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कानून से बड़ा कोई नहीं है, सब कानून के अधीन है, कानून और संविधान के पालन करना सबका परम धर्म है। और अगर उसके खिलाफ में पुलिस में मामला दर्ज है तो निश्चित रूप से उनको से पूछताछ होगी, और अगर वो आरोपी है और अगर वो प्रमाणित होता है तो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में फैसला होगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अनिल जी, मैं आपके माध्यम से अशोक बजाज जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि जब घटना हुई कोई जांच के बिना क्या इनकी सरकार के मंत्री ने सीधे नहीं कहा कि देवेंद्र यादव और ये लोग शामिल थे? तो क्या कोई इनपुट के बिना जब एक मंत्री कह देता है ये शामिल थे, अशोक बजाज जी टीवी चैनल पे कहते हैं कि इन्होंने उकसाया, इन्होंने घटना कारित किया, तो फिर न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए। इनकी सरकार में बैठा मंत्री जब पहले से कह दे कि ये व्यक्ति दोषी है तो पुलिस तो उसी से संचालित होती है ना। मंत्री की गरिमा ये होती है कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको हम सजा देंगे या उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जब पहले से नॉमिनेट कर दे मंत्री तो क्या सरकार का दबाव सीधे नहीं दिख रहा है कि मंत्री ने सीधे कह दिया, अशोक बजाज जी ने यहाँ डिसाइड कर दिया कि ये दोषी हैं, इसमें इन्होंने उकसाया है, इन्होंने ऐसा करवाया है, तो बताइए न्यायालय के ट्रायल की जरूरत क्या है? ये खुद ही पूरा न्यायालय है, खुद ही पूरी पुलिस महकमे को, न्याय व्यवस्था को, सबको यही चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से। अशोक जी देखिए पुलिस के पास पूरा प्रमाण है और राजनीतिक बयानों के आधार पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब लोगों को जानकारी मिली तब जरूर ये बात कही होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सारे तथ्य स्पष्ट है कि ये घटना के दिन लोगों को उकसाने के लिए लगे थे, और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, कोई भी आरोपी होगा। इतनी बड़ी घटना दर्दनाक हुई छत्तीसगढ़ भारत देश के इतिहास में,
ऐसी अशोभनीय घटना चाहे भी कहीं हुई होगी कि जिला कार्यालय एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। यही तो आपके सरकार की विफलता है, यही आपकी विफलता है। और सरकार सरकार में बैठा मंत्री सरकार होता है और सरकार की एजेंसी है पुलिस। अगर वो बयान दे देता है कि ये दोषी है तो पुलिस को तो उसको अरेस्ट करना ही है। साहब आपने पहले ही डिसाइड कर दिया है दोषी है बिना जांच के, यही तो हम कहना चाहते हैं। ये कौन सी सरकार चल रही है, जंगल राज हो गया है क्या छत्तीसगढ़ में? यही तो अशोक जी सवाल है। अशोक जी सवाल ये भी है बीजेपी पर, ये भी सवाल है कि आखिर कैसे आप लोगों ने ये कह दिया कि देवेंद्र यादव आरोपी है, आपने ये घोषित कर दिया उन्हें और इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। आप पर यह भी आरोप है कि दो समाज को आप अलग करना चाह रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के जिम्मेदार लोग उस दिन वहां पर गए थे और लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाया होगा, भाषण भी उन्होंने दिया। और जिस तरह से जो लोग इस मंचा से आए थे वहां पर उनके हौसला अफजाई करने का काम तो इन्होंने किया है ना, तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून तो अपना काम करने दीजिए। इसमें राजनीति के बीच में मत लाइए, राजनीतिक बयानबाजियां होती रहती है लेकिन कानून अपना काम करेगा। और अगर मान लो पुलिस ने गलत किया है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, देवेंद्र यादव जी जाए और कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं। उसमें कोई कहीं पर भारत में कानून सबको समान रूप से देखता है, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो कुछ नहीं होने वाला है। एक बड़ा अपडेट दर्शकों को देना है मुझे, बलौदाबाजार हिंसा मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार के लिए लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस। हालांकि इस बीच जितने भी समर्थक हैं, समर्थकों में और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली है, माहौल फिलहाल बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन अभी पुलिस रवाना हो चुकी है मौके पर से। अनिल जी, अब सवाल यह है कि गिरफ्तारी हो गई है, अगला स्टेप क्या होगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, लगातार जनता को जागरूक कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाहती है, जो वर्ग इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको फंसाना चाहती है। अभी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता माननीय अशोक बजाज जी का बयान बदल गया, होगा शब्द आ गया, नहीं तो ये और इनके मंत्री घटना के पहले दिन पहले घंटे से कहते थे कि कांग्रेस के फला फला व्यक्ति का हाथ है। अगर सरकार में बैठा उप मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे दे कि इनका हाथ है तो उनकी एजेंसी क्या काम करेगी, या आपके दर्शक भी बखूबी समझते हैं और आप भी समझती हैं। तो ये लोकतंत्र का जो दमन चल रहा है, हम जनता से लेके न्यायालय तक, सड़क से लेके सदन तक भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं है, इनसे लड़ेंगे और लड़ के लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी और देश उस ओर बढ़ रहा है। अभी आप लोकसभा के परिणाम देख लीजिए, बैसाखी पर आ गए हैं, आने वाले समय में इनकी बैसाखी भी छिन जाएगी, समय का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने का अधिकार है लेकिन कानून से ऊपर जाने का प्रयास मत करिए। ये जो घटना हुई है बलौदाबाजार में, हिंसा हुई और सरकारी कार्यालय तोड़फोड़ हुई, वहाँ पर जो निर्दोष फरियादी गए थे उनके गाड़ियों में हमला, गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया, उनके साथ मारपीट हुई है। अगर ये भी आपको संविधान की हत्या लगती है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे कांग्रेस की इस दशा पर भ्रम आता है कि मैं क्या कहूँ आपके लिए। मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ। अनिल जी, अब मैं ललित आपसे जुड़ा हुआ हूँ। अशोक जी, मैं ललित आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, कानून तो हमेशा ही ऊपर होना चाहिए। अनिल जी, क्या बात है, एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस, चौथे नोटिस पर समर्थक चले आते हैं, पुलिस को रोक दिया जाता है, कानून का सम्मान तो होना चाहिए ना अनिल जी? कानून का पूरा सम्मान है ललित जी, और देवेंद्र यादव जी ने बार बार कहा कि जानबूझ के पुलिस ऐसे टाइम में नोटिस देती है जब मैं नहीं रहता, और मैं बोला हूं कि मैं जाऊंगा और बलौदाबाजार गए भी हो, पुलिस के समक्ष भी उपस्थित हुए। आदरणीय पूर्व मंत्री रुद्र गुरु जी तो एसपी ऑफिस तक पहुंच गए कि मुझे अरेस्ट करो। दुखद यह है ललित जी कि इस तरह की घटना होती है जिसमें कानून का उल्लंघन होता है, उसके बाद डिप्टी सीएम और मंत्री सीधे बयान देते हैं कि इसमें इन इन लोगों का हाथ है बिना जांच के। आप मुझे बताइए कि सरकार की एजेंसी है पुलिस, अगर मंत्री स्वयं कह रहा है, सरकार कह रही है, एक मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है तो सरकार अनिल जी, बात, नहीं, सरकार बात आपकी सही है, हजारों का जमावड़ा और वहां आपके राजनेताओं की मौजूदगी, इसे तो कोरिलेट करके देखा ही जाएगा ना। वो ठीक है, पड़ताल होगी, मामला अदालत में जाएगा, वो मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, पर जमावड़ा तो आपके नेताओं का था अनिल जी। जी, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता वहां मौजूद थे, हमसे ज्यादा मौजूद थे। खाने की व्यवस्था इनके नेताओं ने की थी,
वहां उनको कैसे पता था, पुलिस को और प्रशासन को पता नहीं था कि 10,000 लोग आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता जिसने खाने की व्यवस्था की उसने कैसे 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था कर दी, उसको कैसे मालूम हो गया कि 10,000 लोग आ रहे हैं। भाजपा का सोचा समझा षड्यंत्र था, एसपी कलेक्टर कार्यालय इन्होंने जलाने भी दिया और उसके बाद बदले की कार्रवाई में ये वर्ग विशेष को और दल विशेष को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। नहीं तो सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, कभी भी कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल नहीं सकता था ललित जी। ठीक, ठीक। ये सुनियोजित रूप से ढील दी गई, कैसे दमन करें एक वर्ग विशेष का, उसका खेल चल रहा है, और दल विशेष का, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में ये खेल चल रहा है। एक जवाब ले लेते हैं अशोक जी, जवाब फिर मेरा सवाल रहेगा। हाँ बजाज साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ जी। आरोप यही लग रहा है कि सब आपकी शय पर हुआ। इतनी हास्यास्पद बात हमारे माननीय अनिल जी कर रहे हैं, कृपया करके आप ऐसी बात ना करिए। राजनीति एक दिन की नहीं होती है, लंबे समय तक राजनीति करनी है। जिस प्रकार से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐसा कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर सकते हैं, अपनी हमारी सरकार है और हम कानून का मखौल कैसे उड़ा सकते हैं, ये नहीं, नहीं। है अपने बचाव ना, ना, ना। क्या बात कर रहे हैं बजाज साहब, आपके विधायक हैं सेन साहब, वो तो कहते हैं गर्दन काट दो फला की, वो कह रहे हैं कि होटलों की व्यवस्था को लेकर लोग उनसे अपील कर देते हैं, खुलेआम वो गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। एक बात, इसी कानून के राज में पत्रकारों को अंदर कर दिया गांजा रखवा कर, बताइए ये कैसा कानून का राज है अशोक जी? देखिए कानून का राज है, अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस के लोग जाएं अदालत अपील करें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये आजकल कानून आपका फरियाद सुनेगा। हाँ, लेकिन आप इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कलेक्टर एसपी कार्यालय जलवा दिया, ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है भाई। ऐसी हास्यास्पद बात तो हमें समझ से परे, पूरी पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में था जिस समय ये घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में सब गए थे और वहां पर इस प्रकार सूचना मिली। बड़ा हास्यास्पद माने ये दुर्भाग्यजनक बात थी कि एक छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस के लोग इतने उतावले हो गए हैं, इतने नहीं अशोक जी, एक एक क्रोनोलॉजी आप समझिए। देखिए कानून का राज तो वहां पर भी था कि जब कांग्रेस का एक लीडर यात्रा निकालकर एक होटल में रुका तो लाइट चली गई, पुलिस ताबड़तोड़ घुसती है, लाठियां बरसाती है, तब भी आप ही के कानून का राज था। ठीक, अभी वापस मैं घटना पे आ रहा हूं, सुनिएगा। मई से बलौदा बाजार में इस तरह की स्थितियां 15 मई से बनना शुरू हो जाती हैं। जून आते आते तक स्थितियां इस कदर हो गई कि गुस्साई भीड़ ने दो बड़े दफ्तर जला दिए। तो ये कानून का राज 15 मई से लेकर और जून में जब तक वो बिल्डिंग जलाई नहीं गई, कानून क्या खामोश बैठा था बजाज साहब? नहीं, ये तो सवाल कांग्रेस के नेताओं से करिए। अरे पार्टी आपकी, सवाल कांग्रेस से, ये तो फिर नेहरू वाली बात कर रहे हैं आप बजाज साहब। नहीं, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि ये शांति का टापू जो है यहाँ पर अराजक, और हैरत की बात है कि आप ऐसा करने दे रहे हैं बजाज साहब। बदनाम हो जाए सरकार, बदनाम हो जाए और सरकार करने का। ठीक ठीक ठीक, आप बने रहिएगा प्लीज। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक शुक्ल न्यूज 18 के एडिटर, आप हमारे साथ प्लीज बने रहेगा। अभिषेक जी, पूरा घटनाक्रम और लगातार हमारे साथ अनिल जी, अशोक जी भी बने हुए हैं, आप उन्हें सुन भी रहे थे। सबसे पहले तो नोटिस दिया गया बयान देने के लिए, पुलिस का यह कहना है कि वो नहीं पहुंचे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, आखिरकार गिरफ्तारी, आपका एक पूरा रिएक्शन जी प्लीज। जी देखिए, बलौदा बाजार की घटना जब से हुई उसके बाद से सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात भाजपा ने कही, यहाँ पर सीधे तौर पर देवेंद्र यादव का भी नाम लिया और कहा कि मिली भगत है, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए। एक जो कानूनी प्रक्रिया होती है, नोटिस यहाँ पर विधायक को दिया गया था देवेंद्र यादव को, तब देवेंद्र यादव ने कहा था कि मैं उस वहां पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद और भी नोटिस दिए गए होंगे और जैसा कि पुलिस का कहना है कि हमने पूछताछ के लिए बुलाया था, देवेंद्र यादव पूछताछ के लिए भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस मामले की बहुत गंभीरता से जांच हो रही है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक का बड़ा
बड़ा कांड था ये कि कलेक्ट्रेट को जला दिया गया था। ऐसे में पूछताछ के लिए अगर विधायक को बुलाया जा रहा था, विधायक नहीं गए, उसके बाद आज बलौदाबाजार पुलिस वहां पर पहुंची और पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई। देखिए ये चीजें काफी समय से तय थी और लग भी रहा था कि इस मामले में अगर देवेंद्र यादव का नाम आया है और नोटिस अगर पुलिस ने दिया है तो देर सवेर ये घटनाक्रम हो सकता है, और आज वही हुआ। यहाँ पर देवेंद्र यादव के यहाँ पुलिस पहुंची, बलौदा बाजार वाले मामले में पूछताछ की और उसके बाद इसे उनके निवास से उठाया गया। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इसमें अपना सियासी फायदा नफा नुकसान भी देख रहा है। देवेंद्र यादव शायद सोच रहे होंगे कि उनके इलाके से अगर पुलिस आकर उठाकर ले जाती है, गिरफ्तार करती है उनको, तो शायद थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए अपने समर्थकों के बीच से। अगर इस तरीके की घटनाक्रम को पुलिस अंजाम देती है तो निश्चित तौर पर सियासी लोग अपना नफा नुकसान देखते हैं, तो वही कुछ यहाँ पर आज हुआ और समर्थकों ने काफी हो हंगामा भी वहाँ पर किया। शायद ये बलौदा बाजार जाते और वहाँ गिरफ्तारी की जो उनको आशंका थी, ये सब तमाम चीजें नहीं हो पाती वहाँ पे, जो आज यहाँ पर भिलाई में उनके अपने विधायक के स्थल पर हुई है। ठीक ठीक, अभिषेक जी प्लीज बने रहिएगा, अनिल जी अशोक जी आप भी बने रहिएगा। एक छोटा सा हम जरा अपडेट ले लें, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश क्या कुछ अपडेट है? एक किताब लेकर निकल रहे हैं, बार बार उसे दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल है वो संविधान की किताब वाला सीन है, थोड़ा क्लियर करें मिथिलेश। देवेंद्र यादव अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकले, हाथ में पुस्तक रखे हुए थे, संविधान की किताब हो सकती है, और वे जो है कार के ऊपर में खड़े होकर लोगों को जो उनके समर्थक थे उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि वे जो है न्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय की जीत होगी। कुछ देर पहले ठीक इसी रोड से उनको ले जाया गया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं जो देवेंद्र यादव को ले जाने नहीं दे रहे थे। काफ़ी मशक्कत के बाद कार को अभी यहाँ से बाहर निकाला गया है, लेकिन समर्थक जो है वो साथ साथ में चल रहे हैं और जो देवेंद्र यादव का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका कहना है कि वे जीतिए, लड़ाई लड़िए और हम आपके साथ में हैं। तो बस कुछ देर पहले ही अभी देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है, बलौदा बाजार की पुलिस उनको कार में बैठाकर ले गई है। लेकिन ठीक, कोई तकनीकी दिक्कत है, मिथिलेश की आवाज कट गई है। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक आप अगर कोई सवाल करना चाहें, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज। असल सवाल है कि अगर पुलिस पर नोटिस दे रही है तो अगर कानून यहाँ पर नोटिस दे रहा हो, देर सवेरी आशंका सभी को है कि अगर नोटिस दिया जा रहा है तो अगर आप पूछताछ के दौरान नहीं पहुंचेंगे तो पुलिस आप तक पहुंचेगी। फिर इतना हो हल्ला यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कानून और पुलिस अपना काम वहाँ पर कर रही है और पूछताछ के बुलाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कानून का साथ देना चाहिए था, जाना वहाँ पर था, यहाँ घर पे आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। ठीक, हाँ अनिल जी, घर पर आने का इंतजार क्यों? अभी आप जब जवाब दे रहे थे मैं इसमें एक और एड ऑन कर रहा हूँ, तभी आपने कहा कि रुद्रगुरु खुद पहुंच गए थे, तो क्या दिक्कत थी? देवेंद्र यादव भी पहुंच जाते, सम्मान की तो बात है ना, प्रोसीडिंग्स की तो बात है। अनिल जी प्लीज, अनिल सिंह साहब आवाज आ रही है अब तक? हेलो, हाँ अनिल सिंह साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, अब तक पहुंच रही मेरी आवाज? बिल्कुल अब पहुंच रही है, जवाब दीजिए प्लीज। जी, अंग्रेजों का जब शासन था गांधी जी को कई बार नोटिस दी जाती थी और गांधी जी गिरफ्तारी देने नहीं जाते थे। ये स्थिति थी क्योंकि पुलिस पर, जो व्यवस्था पर और कानून पर जब लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं रहता तो ये बात आती है, आइए साहब अरेस्ट कर लीजिए, हम कहीं जा थोड़ी रहे। सवाल इसका है ललित जी कि जब जस्टिस, एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ है तो क्या एक विधायक को कोई, मतलब वो सड़क छाप आदमी तो है नहीं कि जिसको उठा लें आप, वो जस्टिस की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा सकता था? दूसरी बात कि क्या जब घटना हुई उसके आधे घंटे के अंदर जिस तरह से डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों ने नामजद देवेंद्र यादव और कुछ कांग्रेस नेताओं का नाम लिया, जबकि बड़ी संख्या में वहां भाजपा के भी नेता मौजूद थे, उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने, मंत्री और सरकार जब नाम ले रहे हैं तो स्वाभाविक है पुलिस नामजद करेगी उसके बाद, और जस्टिस की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं और एक विधायक को अरेस्ट करने आ गए, तो सवाल तो उठेगा कि ये कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है, कौन सा सिस्टम है? और कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल जाना, यहाँ अशोक बजाज जी ठहरा रहे हैं कि साहब कांग्रेसी थे इसलिए जला दिए, अरे साहब आपको सरकार चलाना नहीं आता तो आप हट जाइए, हम बैठेंगे कुर्सी पर और आप में हिम्मत है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी आ जाए और जला के दिखाइए कि एसपी कलेक्टर का कार्यालय। आप लोगों ने तो हमेशा हिंसा फैलाई है, उग्रवाद फैलाया है, धार्मिक कट्टरता देश में,
तो सरकार चलाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसा कोई करने वाला है और आपको इनपुट है तो आप अरेस्ट करिए उन 10,000 लोगों के। अब ऐसे तो कवर्धा का फेलियर भी आपके हिस्से आ जाएगा ना, सरकार तब आपकी थी। मैं रोक रहा हूं अनिल जी आपको। मिथिलेश क्या कुछ अपडेट? कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, आपकी आवाज रुक रही थी। मिथिलेश अपडेट दीजिए। कार्रवाई चल रही थी, बलौदा बाजार की पुलिस जो है सुबह से यहां पर पहुंची हुई थी और कुछ देर के बाद में करीब देखा गया था कि 12 बजे बलौदा बाजार की पुलिस अंदर गई थी, साथ में दीपक बैज भी थे। उसके बाद से ये कयास लगाने जा रहे थे कि क्या होगा, आखिरकार वजह क्या है, क्या गिरफ्तारी की जाएगी, क्या उनका बयान लिया जाएगा, ऐसे तमाम बातें थी। लेकिन कुछ आधा घंटा पहले से ये मालूम चल रहा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आखिरकार वही हुआ। करीब 10 मिनट पहले ही अभी देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके पहले के जो माहौल को बताऊं तो ऐसा माहौल शायद भिलाई वासियों ने कभी नहीं देखा होगा कि जो इतनी बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर मौजूद थे, जो लगातार देवेंद्र यादव के पक्ष में उनका हौसला बढ़ा रहे थे। और जब देवेंद्र यादव बाहर आए तो वो भी खड़े कार में खड़े हो गए थे और उन्होंने अपने समर्थकों का यह हौसला बढ़ाया। उनका यह कहना था कि सच्चाई की जीत होगी और वे जल्द वापस आएंगे। तो अभी बड़ी मशक्कत के बाद में कार यहां से बाहर निकली है। देवेंद्र यादव को सफेद कार में बिठाया गया है और बलौदा बाजार की पुलिस जो है उनको लेकर गई है। इस दौरान जगह जगह उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद है यहां पर जो लगातार उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। बलौदा बाजार पुलिस ये कुछ देर के पहले लेकर निकली है, तो देखने वाली बात यह होगी कि कितनी देर में वे वहां पहुंचते हैं और आगे की कार्रवाई किस तरह रहती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 बज चुके हैं और इसके बाद में की कार्रवाई कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिएगा, आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी अभिषेक प्लीज, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा से। देखिए कुल मिला के जैसा मैंने कहा, ये आशंका देवेंद्र यादव को थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए देवेंद्र यादव नोटिस मिलने के बाद बलौदा बाजार पुलिस के पास नहीं गए और शायद वो इंतजार कर रहे थे। उनको भी पता था अगर नोटिस मिला है तो इस पर देर सवेर पुलिस उनके निवास तक पहुंचेगी। और जब आज पुलिस वहां पर पहुंची है तो उनका वही मकसद था कि अपने अगर इलाके में आकर अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो वो अपने समर्थकों के साथ एक बड़ा हो हंगामा वहां पर किया जा सकता है, समर्थकों की भीड़ और अपने समर्थकों के बीच अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज भी उनको मिल सकता है, मीडिया कवरेज भी उनको थोड़ी मिल सकती है। शायद यही चीज उनके दिमाग में रही होगी, क्योंकि गिरफ्तारी हो सकती है नोटिस न मिलने पर, एटलीस्ट पुलिस पहुंचेगी पूछताछ करने, ये तो वो भी यहाँ पर जानते होंगे। और यही कुछ उनके दिमाग में रहा होगा कि कम से कम कुछ पॉलिटिकल फायदा भी मिल जाए, थोड़ा मीडिया कवरेज भी मिल जाए, क्योंकि अगर उनको आशंका थी बलौदा बाजार सीधा पहुंच जाते वो नोटिस मिलने पे, और अगर वहां गिरफ्तारी हो जाती तो शायद आज इतना बड़ा मीडिया कवरेज नहीं मिल पाता। और समर्थकों के बीच गिरफ्तार होना किसी भी नेता के लिए थोड़ी पॉलिटिकल माइलेज तो देता ही है। तो ये तमाम घटनाक्रम कुछ इसी अंदाज में मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और बाकी अब आगे क्या होगा ये तो पुलिस अपनी कार्रवाई में बताएगी, पुलिस के पास क्या सबूत है, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, ये चीजें तो अब आगे लंबी चलेंगी। लेकिन बड़ा घटनाक्रम है विधायक का इस हिंसा मामले में गिरफ्तार होना, छत्तीसगढ़ में अब तक कम से कम ऐसा नहीं देखा गया। ठीक ठीक, अशोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, देवेंद्र यादव आरोप लगा रहे हैं कि जो सतनामी समाज के युवा बंद है, मेरा ख्याल है 173 के बाद ये 174 भी गिरफ्तारी होगी, संख्या इधर उधर हो सकती है। ये बोला जा रहा है कि देवेंद्र यादव 12 गाड़ी भरकर लोगों के साथ आया था, ये दबाव बना रहे हैं आप। अशोक जी, जी 12 गाड़ी देवेंद्र यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं उन युवकों को धमकाकर डराकर यह बयान लिया जा रहा है कि देवेंद्र यादव उस दिन वहां मौजूद थे, यह देवेंद्र यादव का आरोप है। तो देवेंद्र यादव जी प्रमाणित कर रहे हैं कि उस दिन वो नहीं थे, तो कानून तो उसको सहयोग करेगा ही ना, लेकिन प्रमाणित तो करना पड़ेगा कि वो नहीं थे, ये बताना पड़ेगा आखिर नहीं उस दिन अगर बलौदा बाजार नहीं गए थे तो कहां गए थे, ये तो बताना पड़ेगा ना अदालत में। आपको आप अदालत में बताइए, आपका सारा रास्ता खुला हुआ है, आप इतना पुलिस के ऊपर आरोप मत लगाइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको पुलिस को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। इस प्रदेश के आप सम्मानित विधायक हैं तो विधायक के नाते आपकी भी जवाबदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन इस प्रकार से कानून का उल्लंघन हो रहा है और लोगों के बयान अगर ऐसे आ रहे होंगे जिस पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ रही है तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए,
आप चाहिए कानून का दरवाजा खटखटाइए, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक ठीक बजाज साहब, एक और बड़ी बात मैं आऊंगा आपके पास जी अभिषेक, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी के जो जिम्मेदार नेता थे या मंत्री थे, उन्होंने घटना के ठीक बाद ही ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें फला व्यक्ति था, इसमें फला विधायक था, ये बातें निकल कर आने लगी। कांग्रेस यही कह रही है कि आपको तो सब पता था, फिर गिरफ्तारियां, अब तक एक गिरफ्तारी आज हुई है, बड़ी गिरफ्तारी, इसमें कांग्रेस इसे पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। जी अभिषेक, और मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियो दिखाया गया था। हाँ। और ये कहा गया था कि उस वीडियो में देवेंद्र यादव नजर आ रहे थे मंच पर, तो वो वीडियो कब का था, क्या था, ये तो अब पुलिस जांच करेगी, लेकिन बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में की थी और ये वीडियो दिखाया था, और तब आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं और देवेंद्र यादव का नाम भी वहां पर सामने आया था। तो देवेंद्र यादव का नाम कुछ दिन बाद ही उस वीडियो के सामने आने के साथ ही भाजपा लगातार उठा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो पूरी मीडिया के सामने दिखाया गया था, फोटो दिखाया गया था। मुझे लगता है शायद यही आधार बीजेपी ने और पुलिस ने वहां पर बनाया होगा कि कांग्रेस के नेता शामिल है, और शायद पुलिस भी इसी लाइन पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही होगी, अगर उसके पास भी ऐसा ही कोई वीडियो यहां पर होगा या उसने उस वीडियो को इस प्रकार के पाया होगा। देवेंद्र यादव का नाम कुछ इस तरीके से सामने आया था, और ये हिंसा के दो तीन दिन बाद ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब बीजेपी ने कांग्रेस के नेता और खासकर देवेंद्र यादव पर आरोप लगाते हुए वीडियो और कुछ फुटेज दिखाए थे। बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूं अनिल जी आपके पास। पहले अशोक जी आपके लिए एक सवाल, 12 जून को पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार पहुंचे गिरफ्तारी देने, उन्होंने कहा कि मंत्री या तो माफी मांगे या मैं मानहानि का दावा करूंगा। अशोक जी, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास जब साक्ष्य सामने आया तब उन्होंने कार्रवाई की है, अब उसके पहले ही आप जाके बोल रहे हमको गिरफ्तार करो, पुलिस के पास पुख्ता प्रमाण हो जाएगा किसी की गिरफ्तारी करने के पहले, और वो भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करना, उसके पहले पुलिस के पास पुख्ता सबूत तो चाहिए है ना। ठीक, तो पुख्ता सबूत पर मंत्रियों ने आरोप लगाया तो पुख्ता सबूत तो रहे होंगे ना, वो राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं होती, मंत्री है वो। देखिए, जो उस समय तत्कालिक जो बातें सामने आई थी, लोगों ने जो जानकारियां दी थी और जो वीडियो दिखाए थे उसके हिसाब से तो साफ साफ दिख रहा था, लेकिन पुलिस तो अब जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं होगा तब तक कोई FIR थोड़ी करे, किसी को भी आरोपी थोड़ी बना दे किसी बयान के आधार पर। तो आप सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर बयान दे देते हैं क्या अशोक जी, आपकी पार्टी के नेता मंत्री? नहीं, उस समय तो ये घटना में शामिल थे, घटना के दिन गए थे और ये बात जारी जाहिर हुई है, तो इस प्रकार जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो सब पूरी सरकार भी चिंतित थी, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भी चिंतित थी, और जनता के बीच में ये बात सामने आई कि एक कांग्रेस के बड़े लीडर जाके यहाँ उकसाने का काम किया, और निश्चित रूप से ये बात हो सकती है कि सत्ता गंवाने के बाद जो इनको पीड़ा है आज, उस पीड़ा को इन्होंने एक समाज को एक आड़े लाकर किया है, ये बात तो समझ में आती है लोगों को। आम आदमी तो यही समझ रहा है कि कांग्रेस सत्ता से हटने के बाद व्याकुल हो गई है, निराश हो गई है, हताश हो गई है, उदास हो गई है, और इसी कारण अशांति और अराजकता की वातावरण बनाने के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक ठीक, आऊंगा अशोक जी आपके पास। अनिल जी आपका रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा प्लीज। देखिए, मैंने पहले भी कहा ललित जी, तीन मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, तीन मंत्रियों ने सार्वजनिक बयान दिए बिना साक्ष्य के कि ये लोग शामिल थे, उसके बाद पुलिस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दबाव में हमारे विधायक के खिलाफ अपराध दर्ज करती है, अरेस्ट करती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर साक्ष्य हैं तो साबित करें कोर्ट में कि वो नहीं है दोषी, लेकिन देखिए ललित जी, आज ललित जी को या मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और कहा जाए कि आप साबित करो, ये अमेरिका नहीं है, USA में ऐसा कानून है, इंडिया में ये है कि जब तक पुलिस के पास साक्ष्य बहुत पुख्ता ना हो तब तक किसी के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसका वो तो सामने आएगा। अनिल जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, डेप्यूटी CM साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आज एक बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी इस मामले में, और कांग्रेस का कहना है कि फंसाया जा रहा है, ये सब इंटरप्रेटेड है। जी प्लीज।
नहीं क्या देवेंद्र यादव की जो हाँ गिरफ्तारी है वो फंसाया गया है, सुना है अभी जी, मैंने भी अभी सुना है। हाँ जांच तो पुलिस की जारी थी, ठीक, उस विषय पर तो बहुत सारी गिरफ्तारियां और भी हुई हैं और काफी जांच पुलिस की चल रही थी, उसमें बड़ा मसला भी था, जिम्मेवारी जिसकी जिसकी होगी उन पर कार्यवाहियां होंगी। अभी इस विषय पर पता चला है, अभी मैं और स्पष्टता करता हूं और जानकारी प्राप्त करता हूं। जी कांग्रेस का ये भी कहना है शर्मा साहब के जो घटनाक्रम हुआ 10 जून का घटनाक्रम था और उसके ठीक एक आध दिन बाद जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं कि इसमें तो रुद्र गुरु शामिल है, इसमें तो देवेंद्र यादव शामिल है, ये सोचा समझा है, ये कहना है कांग्रेस का। नहीं, अगर शामिल है ऐसा कहा है तो प्रमाण के साथ हुआ ना विषय, ऐसे ही किसी के कहने का थोड़ी अर्थ होता है। तो वहां पर पुलिस की जांच हो रही है, उसमें पुलिस को प्रमाणित करना होता है विषय को, तो जांच के आधार पर प्रमाणित पुलिस कर लेगी इस, ये पुलिस की जांच में आया होगा इसलिए गिरफ्तारियां हुई होंगी जी। हालांकि बयान देने के बाद 12 जून को रुद्रगुरु भी पहुंचे, उन्होंने कहा हमें गिरफ्तार करो वरना वो मानहानि का केस करेंगे, ये बात भी निकलकर सामने आई, उनकी गिरफ्तारी तब नहीं हुई। जी शर्मा सर जी एक बार फिर से बोलेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा 12 जून को दरअसल नाम गुरु रुद्र कुमार का भी आया था, वो थाने भी पहुंचे थे गिरफ्तारी करने, पर तब कोई इस तरह का घटनाक्रम हुआ नहीं और उन्होंने कहा कि मैं मानहानि का केस भी करूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल स्वतंत्रता है सबको, करना ही चाहिए, अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जरूर करना चाहिए जी। थाने जाकर के उन्होंने खुद अपनी बात कही है अगर, तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस की जांच की प्रक्रिया में वह भी होगा हाँ। नहीं होगा और जो होगा वो सामने आएगा जी। देखिए घटनाएं जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जैसे सीधे साधे लोगों के राज्य को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से समूचे प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर पूरे देश में जो चर्चाएं हुई है, जितनी अराजकता की बात कही गई इसके बाद देश में, उसके आधार पर पुलिस की सघन जांच तो आवश्यक है और जो भी कार्यवाही आज में है जो भी होंगे पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे सरकार का स्पष्ट निर्देश है जो भी हो, और कार्यवाहियां होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए जी। जी चूंकि आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, कानून व्यवस्था सीधे आपसे जुड़ी हुई है, देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जबरन दबाव देकर उनके खिलाफ बयान दिलवाया गया है, पुलिस ने ऐसा किया है। देखिए स्पष्टता होगी, पुलिस ही अंतिम निर्णय नहीं होता है, न्यायालय होता है ना, जो विषय है अपना न्यायालय में रखा जाए। संलिप्तता कहीं ना कहीं दिखी होगी पुलिस को, इसलिए शायद कार्यवाही की गई होगी, ठीक, और उसके बिना तो कार्यवाही हो नहीं सकती है, वो माने विधायक हैं और इसलिए उनकी उनके प्रति कुछ कहने से पहले 100 बार सोचा भी गया होगा पुलिस के द्वारा, मैं सोचता हूँ भाई, और मैं और स्पष्टता करूंगा और जानकारी प्राप्त करूंगा इस विषय पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद विजय शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक बैज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक दीपक बैज साहब आपको क्यों लगता है कि देवेंद्र यादव को फंसाया गया है, क्योंकि उन्हें नोटिस दिया गया, एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस, अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो गिरफ्तारी के अलावा रास्ता नहीं बचेगा। जी दीपक जी, ये गिरफ्तारी बलौदा बाजार की घटना को दबाने के लिए, बलौदा बाजार घटना को डाइवर्ट करने के लिए और सरकार अपनी कमजोरियों के छुपाने के लिए ये गिरफ्तारी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या उस बलौदा बाजार घटना में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके पूरे कार्यकर्ता जो तन मन धन से लगे हुए थे उस कार्यक्रम को आयोजित करने में, क्या उनको एक नोटिस भी दिए हैं क्या? अभी तक एक नोटिस तक नहीं मिला है। विधायक देवेंद्र यादव जी इसलिए गिरफ्तारी हुई कि वो कांग्रेस का विधायक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नोटिस नहीं मिला कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है। ये दूसरी चीज कि जो विधायक अगर उनके बुलाव पे जा रहे हैं, मंच में भी नहीं बैठे, नीचे जाके 10 मिनट बैठने के बाद अपनी कार्यक्रम के अनुसार वो रायगढ़ के लिए निकल जाते हैं, तो आखिर किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जानबूझ के गिरफ्तारी है, बदले की भावना से कार्रवाई हुई है,
लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी कमजोर होने वाली है, बल्कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की हथकंडों से, सरकार की हथकंडों से मजबूती के साथ खड़ी होगी, वो बात आपकी ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। साहब आप सुनिए, सतनामी समाज की, सतनामी समाज को न्याय मिलना चाहिए, ये सतनामी समाज का मांग है। सतनामी समाज को, समाज की मांग को डाइवर्ट करने के लिए और कौन असली अपराधी है उसको पकड़ने में सरकार नाकाम हुई है, उसी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई। नहीं, आप कह रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए, इससे पहले 160 गिरफ्तारियां हुई ना, तो ये डाइवर्शन कहां, सब एजेंसी तो अपना काम कर रही है, उसमें भी आप पता कर लीजिए, 107 गिरफ्तारियों में कई ऐसे लोग हैं जहां पे उस कार्यक्रम में गए भी नहीं थे, कई ऐसे लोगों के घर तक पुलिस पहुंची थी जो 4-5-6 महीना साल भर पहले खत्म हो चुके थे, ऐसी गिरफ्तारी हुई है जो उस घटना से कोई लेना देना है भी नहीं, ऐसी गिरफ्तारियां हुई है ठीक कि उस घटना में कोई सरोकार है भी नहीं। आखिर सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए दोषी के ऊपर कार्रवाई हो, कोई आरोप लगेगा उसके बाद घटनाक्रम के बाद तो ये होता ही है ना। भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग नोटिस दिए? ठीक, मैं बैठ साहब आपको रोकना, बैठ साहब मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, धन्यवाद आपका, आप जुड़े, आपने अपनी बात इतने तरीके से रखी। अनिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बजाज साहब हमारे साथ जुड़े थे उनका धन्यवाद, अभिषेक लगातार बने रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि एक घटना हुई, घटना के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये बड़े हैरत की बात है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए अगर उसे जेपीसी बुलाती है तो वो जाता है जेपीसी की जांच में, पर कांग्रेस को हमेशा यह लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है, जांच जांच होती है और वो एक न्यायिक कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है, वही इस मामले में भी हो रहा है। बलौदाबाजार से यह गिरफ्तारी और संभवत या छत्तीसगढ़ में इस तरह से गिरफ्तारी का यह अपने आप में पहला और अलग मामला है।